बड़ी खबर इस वक्त मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पर दो तस्कर के साथ ब्राउन शुगर के तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि नहरिया एसएसबी के जवानों ने बॉर्डर पर यह कार्रवाई की है, जहां पर 1.60 किलोग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है और दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको फिर से बता दें कि यह जो मामला है यह मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र का है, जहां पर दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है और इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एसएसबी के जवानों के द्वारा बॉर्डर पर कार्रवाई की गई है और हम आपको बता दें कि लगभग 1.5 किलोग्राम ब्राउन शुगर यहां पर जब्त किया गया है और हरलाखी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र का मामला है। हम आपको बता दें कि 1.5 किलो लगभग ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, साथ ही दो तस्कर भी बरामद किए गए हैं। ब्राउन शुगर के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। नहरिया एसएसबी के जवानों ने बॉर्डर पर यह कार्रवाई की है और 1.5 किलो ब्राउन शुगर बरामद किए गए हैं, साथ ही दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुबनी से हरिशंभु संवाददाता मौजूद है। हरिशंभु जी, बताइएगा क्या है पूरा मामला? जी, पूरा मामला नहरनिया एसएसबी के जवानों ने ब्राउन शुगर बरामद किया है और पूरा मामला हरलाखी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जी तानिया, किस तरह से जो जवानों ने पूरी कार्यवाही की है, आगे क्या कुछ करने की आशंका जताई जा रही है? यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी के जवानों ने की है। नहरनिया एसएसबी के जवानों ने यह गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। हरिशंकर जी, ये जो दोनों तस्कर है, या किस थाना क्षेत्र से आते, कहां के है, इसका क्या कुछ पता चल पाया है अभी तक? यह जो दोनों तस्कर है वो जयनगर थाना क्षेत्र के बताया जा रहा है। जी धन्यवाद हरिशंभु जी पूरी जानकारी के लिए। और हम आपको बता दें कि हरलाखी थाना क्षेत्र में दो ब्राउन शुगर के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 1.5 लगभग 1.5 किलोग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया है और दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आगे की जानकारी इसी तरह से दी जाएगी।